बैजनाथ पपरोला नगर पंचायत की बैठक अध्यक्ष रुचि कपूर की अध्यक्षता में नगर पंचायत कार्यालय के सभागार में आयोजित की गई। प्रदेश की सबसे बड़ी बैजनाथ पपरोला नगर पंचायत की नवनियुक्त अध्यक्ष व उपाध्यक्ष ने 20 दिन पहले ही पद व गोपनीयता की शपथ ग्रहण की थी, लेकिन सचिव का पद खाली होने के कारण बैठक आज तक नहीं हो सकी थी। फिलहाल सरकार द्वारा पालमपुर नगर पंचायत के सचिव ललित कुमार को सप्ताह में 2 बार बैजनाथ नगर पंचायत में डेपुटेशन पर लगाया गया है। रुचि कपूर की अध्यक्षता में संपन्न हुई बैठक में रुके हुए विकास कार्यों को गति देने का निर्णय लिया गया। वहीं बैठक में ये भी निर्णय लिया गया कि कानूनी सलाहकार का एक पद आउटसोर्स से भरा जाएगा, क्योंकि नगर पंचायत में अदालती कार्यों को लेकर इस पद को अनिवार्य किया गया है। कूड़े कचरे को ठिकाने लगाने के लिए डंपिंग साइट तथा कूड़ा संयंत्र स्थापित करने के लिए एक कमेटी का भी गठन किया गया है। स्ट्रीट लाइटों की व्यवस्था को सुधारने के लिए अतिरिक्त 800 नई LED तथा सोलर लाइट्स को लगाया जाएगा, जिसके रखरखाव के लिए हर सप्ताह 50,000 रुपए वहन किए जाएंगे। उन्होंने बताया कि शहरी क्षेत्र में LED तथा ग्रामीण क्षेत्रों में सोलर लाइटें लगाई जाएंगी ताकि बिजली का कम खर्च हो। वहीं नए बने टाइल युक्त रस्तों में ट्रैक्टर ले जाने पर प्रतिबंध लगाया जाएगा, उल्लंघन करने पर 2500 रुपए का जुर्माना अदा करना होगा। ललित कुमार कार्यकारी अधिकारी ने बताया कि हर घर डोर टू डोर से सूखा व गीला कचरा उठाने के लिए व्यवस्था की जाएगी, जिसके लिए यूजर सरचार्ज का प्रावधान किया गया है। जो इसकी अवहेलना करेगा उसके खिलाफ पेनल्टी लगाने का भी निर्णय लिया गया है। आज की इस मीटिंग में मैं सभी पार्षदों का आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगी। आज हमारे साथ वाइस चेयरमैन मिसेज आशा देवी जी और साथ में हमारे EO साहब ललित जी हमारे साथ सहयोग कर रहे हैं। और आज हमने जो मेन कानूनी सलाहकार, दूसरा कूड़ा कचरा संयंत्र करने के बारे में, तीसरा डोर टू डोर कूड़ा एकत्रित करने के बारे में, जिसमें सब लोगों को अब अलग से इसका प्रबंध करना पड़ेगा। गीला कूड़े के लिए अलग प्रबंध होगा और सूखा कूड़ा उनको अलग देना पड़ेगा। फिर इसके बाद हमारा स्ट्रीट लाइट्सों के बारे में भी चर्चा की गई है। स्ट्रीट लाइट्स जो कि आप जैसे हमें पहले बताया गया था कि ये फ्री हैं, पर ऐसा कुछ नहीं है। इनके साथ हमारा 7 साल का टेंडर हुआ, खर्चा पड़ रहा है और इसके खर्चा पड़ने की वजह से हम सोच रहे हैं कि अब इसको हम सोलर लाइट्स का प्रबंध करें, जिससे हमें कम से कम बिल देना पड़े और कम से कम खर्चा उठाना पड़े। बस यही को जागरूक करने के लिए गजट में नोटिफिकेशन करने का प्रावधान किया गया, जिसमें डोर टू डोर सर्वे जो हम करेंगे, डोर टू डोर कूड़ा कलेक्शन जो करेंगे, उस कूड़े के निस्तारण के लिए हमने रूल्स बनाए, बायलॉज 2018 बनाए हैं, जिसके तहत विभिन्न प्रकार की फीस लगाई गई है और उसमें अर्थदंड भी का भी प्रावधान किया गया है। तो हम आपसे निवेदन करना चाहेंगे कि इस खबर को, जैसे कि आज हमने पास किया प्रस्ताव, इसको इसी रूप में आगे आम जनता की जानकारी के लिए बता दिया जाए। वहीं नगर परिषद ने इस प्रकार के अर्थदंड और इस प्रकार की अपने बायलॉज के मुताबिक जो फीस निर्धारित की है गजट में पब्लिकेशन के लिए भेज दी है।